एक दिन सुबह प्लेटो समुद्र किनारे सैर पर निकले। जब वे सैर पर थे तब उन्होंने एक आदमी देखा। वह सुबह का समय था, तब सूरज उगा नहीं था, हल्का अंधियारा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन था। यह आदमी डायोजनीस था और एक चम्मच में वह कुछ ला रहा था। वह समुद्र में जाता, चम्मच में पानी भरता। उसने रेत में एक छेद बनाया हुआ था, उसमें वो पानी डालता और वापस चला जाता। प्लेटो ने जब उसे यह सब करते देखा तो उसे लगा कि कोई पागल आदमी है। घड़ी भर के लिए तो उसने सोचा कि करने दो जो कर रहा है, फिर सोचा कि हो सकता है वो पागल ना हो, हो सकता है वह कुछ अर्थपूर्ण कर रहा और मैं इससे अवगत नहीं हूं, और यदि मैं उससे पूछ ही लूं तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा सोच प्लेटो ने उस आदमी से कहा, महाशय मैं आपके काम में दखल देने के लिए माफी चाहता हूं, मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, जरूर आप कोई महान कार्य में व्यस्त हों, परंतु यह तुम क्या कर रहे हो। डायोजनीस ने कहा, मैं सागर खाली करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेटो ने कहा, हे भगवान, इस चम्मच से। सूरज उग रहा था। डायोजनीस हंसने लगा और बोला, और प्लेटो तुम क्या कर रहे हो। तब प्लेटो ने डायोजनीस को पहचाना। डायोजनीस नग्न ही रहता था, परंतु उस दिन उसने खुद को कपड़े से ढका हुआ था, बस अपने आप को छिपाने के लिए, ताकि प्लेटो उसे पहचान न पाए, अन्यथा वह उसे टोकता ही नहीं। प्लेटो बस अवाक रह गया था, वह जवाब नहीं दे सका। डायोजनीस ने कहा, यही तो तुम भी करने की कोशिश कर रहे हो प्लेटो, तुम्हारा मन और कुछ नहीं, बस एक चम्मच है, और उसके द्वारा तुम सागर जैसे अस्तित्व को खाली करने की चेष्टा कर रहे हो। मैं यह जो कह रहा हूं वो बस तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए है। मुझे पता है कि यह संभव नहीं है। तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मुमकिन नहीं है।